दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। हम आपको वो चार भारतीय खिलाड़ी बताने वाले हैं जिन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए अब वो विदेशी लीगों में खेलकर अपने अंदर क्रिकेट को जीवित रखना चाहते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो उस पर है चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ दोस्तों, अब भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ना ही वनडे टीम में शामिल किए जा रहे हैं और ना ही आईपीएल में इन्हें कोई भी फ्रेंचाइजी खरीद रही है, इसीलिए अब ये इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में खेल रहे हैं। आपको बता दें भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट तो पुजारा खेलते ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब बात करें तीसरे नंबर की तो उस पर है रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ दोस्तों, इन्हें भी भारतीय टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी अब इंग्लैंड में हर साल आयोजित होने वाले रॉयल लंदन कप में खेल रहे हैं। 2018 से इन्होंने ये खेलना शुरू किया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है दिग्गज खिलाड़ी इरफान पठान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इरफान पठान ने ये बताया था कि वो वेस्ट इंडीज में होने वाली कैरिबियन प्रीमियर लीग यानी कि सीपीएल में खेलते हुए दिखेंगे। इरफान को सीपीएल में खेलने का ऑफर आया था, जिसके बाद वो खेलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि बाद में उन्हें बीसीसीआई के नियमों का पता चला, जिसके बाद से उन्होंने अभी तक तो अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आगे जरूर खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों पहले नंबर पर नाम आता है हम सभी के चहेते खिलाड़ी युवराज सिंह का। जी हाँ दोस्तों, अब जब 2019 विश्व कप की टीम में युवी को जगह नहीं मिली तो अब युवराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि 10 जून को भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर और 2011 विश्व कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास का ऐलान कर दिया। संन्यास का ऐलान करते ही देश का हर क्रिकेट प्रेमी काफी ज्यादा भावुक हो गया। मुंबई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए युवी ने इसकी घोषणा की। अब आगे युवी आईसीसी अप्रूव्ड टी20 लीग्स खेलना चाहते हैं। आपको बता दें युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे मैचों में 8,701 रन बनाए हैं। युवी ने साल 2000 में केन्या के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था और अपना आखिरी एक दिवसीय मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। युवराज ने अपना टेस्ट डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2000 में पंजाब के मोहाली के मैदान पर किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेला था। युवी ने 40 टेस्ट की 62 पारियों में कुल 1900 रन बनाए हैं। वहीं बात करें टी20 की तो युवी ने 58 टी20 मैच खेलते हुए 499 रन ठोके हैं और टी20 में ही इंग्लैंड के खिलाफ युवी ने 6 छक्के लगाकर इतिहास भी रचा था। युवी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि अब उन्हें विदेशी लीग जैसे कि सीपीएल, ग्लोबल टी20 लीग और साउथ अफ्रीका की लीग वो खेलना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब युवराज सिंह भी भारतीय टीम से नहीं बल्कि हमें दूसरे विदेशी लीगों में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।